एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ट्राई करेंगे मृणाल ठाकुर का वायरल होममेड स्क्रब एंड मास्क। इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें जो भी चीज़ें यूज़ हुई है वो सारी चीज़ें सबके घर में आसानी से मिल जाएगी। इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ना ही हमें कुछ मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही ईजी है इसको बनाना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्क्रब को बनाने से पहले मैं अपने फेस को थोड़ा क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो गए थे मेरे नोज़ एरिया पर। उससे पहले मैं अपना फेस को थोड़ा गीला कर रही हूँ नॉर्मल वाटर से, क्योंकि ड्राई स्किन पे कभी भी ब्लैक हेड स्टिक या स्क्रब नहीं लगाना चाहिए, हमें गीला करके ही लगाना चाहिए। अब हम बनाएंगे स्क्रब, जो कि बहुत ही इजी है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ शुगर। अगर ब्राउन शुगर है तो वो ले लो, अगर नहीं है तो वाइट शुगर भी चलेगा। उसके बाद मैं ले लूँगी 1 टीस्पून ऑफ हनी। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मुझे ये थोड़ा ज़्यादा गाढ़ी लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया, 2 बूंद ही मिलाया है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा होममेड स्क्रब हो गया रेडी। स्क्रब को लगाने से पहले मैं फेस वॉश कर रही हूँ। हनी को लगाने के बाद नॉर्मल वाटर से वॉश करना है, उसके बाद कोई फेस वॉश या सोप नहीं लगाना है। अब मैं थोड़ा थोड़ा लेकर सर्कुलर मोशन में इसको स्क्रब करूँगी। बहुत ही जेंटली स्क्रब करना है, चीनी को अगर ज़ोर से रगड़ेंगे तो स्किन इरिटेट हो सकता है, तो हल्के हाथों से 3 मिनट तक स्क्रब करूँगी। गाइस, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे फेस के लिए, 1/2 टीस्पून ऑफ ईच सही अमाउंट है 1 पर्सन के लिए। बचा हुआ स्क्रब को मैं लिप्स पर अप्लाई कर लूँगी, और क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है तो बिल्कुल सेफ है लिप्स के लिए भी। स्क्रब करने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ देना है 5 मिनट के लिए, और फिर नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। गाइस, इसको लगाने के बाद मेरे लिप्स बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे फील हो रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, जो कि है फेस मास्क। ये भी उतना ही इजी है जितना स्क्रब। उसके लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ हनी। इस बार मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, जितना मेरे फेस के लिए रिक्वायर्ड है उतना ही बनाऊँगी। तो 1/2 टीस्पून ऑफ हनी ले रही हूँ, 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी और 1/2 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल, और फिर तीनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब रेडी हो गया है हमारा होममेड मास्क। मैं अपने फिंगर्स के हेल्प से इवनली अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पर। मास्क को लगा के हमें इसको 15 मिनट तक छोड़ देना है, फिर नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। मीनवाइल आप कोई बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो, जैसे तैसे करके 15 मिनट निकल जाए। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। के बाद मैं आ गई हूँ अपने फेस को वॉश करके। नॉर्मल वाटर से ही धोया है, कोई भी फेस वॉश या सोप नहीं लगाना। ऑनेस्टली मुझे ये मास्क बहुत पसंद आया, और ये स्क्रब भी लिप्स के लिए तो बहुत अच्छा है, और ये इतना इजी टू मेक है कि कोई भी बना सकता है। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना,
और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।